वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुप्रमिता आप सभी को स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी में। आज मैं आप सबके साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। स्प्रिंग रोल हम सीड्स से बनाएंगे। सीड्स बनाना बहुत ही ईजी होता है और इसकी जो सिंपल सी रेसिपी है मैं इस वीडियो में ही ऐड ऑन कर रही हूँ। इसमें पहले मैंने मैदे में सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी आटा लगा लूँगी। नॉर्मल जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं बस मैदा का ही आटा लगाना है और थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। और ये देखिए आटा बन के रेडी हो गया है। इसको अभी कवर करके 15-20 मिनट्स में इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। उसी बीच मैं अपनी स्टफिंग बना लेती हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने मिक्स वेजिटेबल स्टफिंग ऐड किया था। आप चाहे तो मशरूम या किसी भी चीज़ की स्टफिंग डाल सकते हैं। पहले थोड़ा सा पैन में गर्म करके थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें थोड़ा सा ऑनियन स्लाइस करके डाल दिया और उसके बाद मैं सारे वेजीज भी ऐड करूंगी। ऑनियंस को ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ये खुल जाए। उसके बाद मैंने अपना कैबेज डाल दिया, कैरेट्स डाल दिया। इसमें मैंने लिया था कैप्सिकम, लिया था येलो बेल पेपर, लिया था और रेड बेल पेपर, सबको पतला पतला स्लाइस करके काट दिया था। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और स्प्रिंग रोल हो या चाउमीन हो वेजीज थोड़े क्रंची रहनी चाहिए और अच्छा लगता है, तो उसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट के बाद आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ओरिगानो डाल दिया था, जो पिज्ज़ा वाला हर्ब्स आता है उसको डाल दिया था। और ब्लैक पेपर मैंने स्किप कर लिया था बच्चे के लिए, और आप चाहे तो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड किया और उसके बाद मैं अपने सॉस भी इसी में ऐड करूँगी, थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए। आप मेयो भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने उसी से ही बना लिया। और ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस वो क्रीमी टेक्सचर के लिए, और थोड़ा सा टमाटो केचप। और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा सेजवान चटनी, वो थोड़ा सा स्पाइसनेस ऐड करने के लिए। बस आधा चम्मच से भी बहुत कम मैंने डाला सेजवान चटनी, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से कुक करना है। कुक करना है मीन्स बाहर से क्रंची और थोड़ा सा मतलब पानी इसकी निकल जाए। और ये देखिए सूखी सूखी सी बन गई, ये बन गया मेरा पूरा स्टफिंग रेडी। इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको याद रखना है कि स्टफिंग ठंडा होने के बाद ही आप सीट में ऐड करके इसको तलेंगे, नहीं तो वो टूट जाएगी सीट ना। और ये सीट बनाने के लिए मैंने जो आटा लगा लिया था उसकी छोटी छोटी लोई बना के रोटी के शेप में दे दिया। इतने में प्रोसेस नहीं ख़त्म होता है क्योंकि नॉर्मल रोटी मैदे का थोड़ा सा थिक होता है स्प्रिंग रोल के लिए, इसीलिए मैं अभी आपको और एक प्रोसेस दिखाऊंगी कि सीट हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने देखिए दो लोई की रोटी बना ली और बाकी सारे रोटियां मैंने बना के रख दिया है पहले ही। और इसके बाद अभी हम शीट बनाने के लिए क्या करेंगे ना, एक शीट में उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल ग्रीस करके फिर उसमें मैदा स्प्रिंकल करेंगे। देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है। मैं देखिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, आप घी भी ग्रीस कर सकते हैं, बटर भी ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया है, उसके बाद सेकेंड लेयर ऑफ सीट दे दिया है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट किया है, उसके बाद फिर थर्ड लेयर किया है। आप तीन चार कैसे भी कर सकते हो, मैंने तीन ही प्रीफर किया क्योंकि इजी रहता है निकालना शीट को। और इसको अभी हम और पतला करेंगे, तीनों को रोटी जितना मोटा बेलेंगे मिला के। ये देखिए सीट कितना बड़ा बन रहा है अभी धीरे धीरे। इसको पूरा पतला सा रोल करेंगे रोटी जितना, और ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं, नॉर्मल जैसे हम चपाती खाते हैं पतली वैसे ही बनानी है। रुमाली रोटी नहीं बनानी है, चपाती की जितनी मोटी बनानी है। और ये देखिए ये मेरा बन गया। अभी मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ तब तक, और सीट निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगी और स्टफ़ करके इसको तल के भी दिखाऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी बना था, आप बिल्कुल घर पे ट्राई कीजिए, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। पार्टी वार्टी में आप स्टार्टर की तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने तवा पे डाल दिया मेरा सीट को, और पूरा सिम मतलब गैस को सिम फ्लेम में करके इसको अलग करेंगे धीरे धीरे। देखिए जैसे ये फूलने लगा है धीरे धीरे, ये पकेगा तो जाके अच्छे से निकलेगा सीट, अलग होगा, कच्चा होगा तो वो चिपक जाएंगे धीरे धीरे। इतना गर्म था मैं छू ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो के लिए किया गरम गरम। देखिए ये मेरा पहला सीट रेडी हो गया, फिर अभी मैं दूसरा निकालूंगी। दूसरे के लिए मैंने पीछे जो कच्चा था उसको करके निकाल दिया, और ये मैं थोड़ा सा मैदा घोल के स्टफिंग को मतलब रख के वो चिपकाने के लिए मैदा का घोल बनाई थी। और ये देखिए मैंने स्टफिंग का एक लेयर दे दिया और वो घोल, मैदा एक चम्मच डाला था और पानी भी 1.5 चम्मच डाला था, और क्योंकि वो चिपका देगा कच्चा मैदा उसको। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसको ऐसे पॉकेट की तरह फोल्ड कर दिया और इसका भी हम रोल बना दिए।
और जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही आपको प्रॉपरली पोटली बनानी है उसकी। और ये मैंने एक बना के आपको दिखा दिया और उसके बाद मैंने अपने सारे पोटलीज बना दिए थे स्प्रिंग रोल की। ये देखिए मेरे बन गए थे, टोटल मैंने 9 बनाए थे। और ये देखिए पहले 4 मैंने तलने के लिए डाल दिया। ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और स्प्रिंग रोल क्रिस्पी बनेगा तभी, और दोनों तरफ से प्रॉपरली गोल्डन ब्राउन होना चाहिए तब जाके क्रिस्पी बनेगा क्रंची सा। और ये देखिए मैं पलटाए जा रही हूँ और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप अपने पार्टी के लिए भी इसको थोड़ा सा तीखा बना के सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने मेरा एक मतलब जो बैच था वो कंप्लीट हो गया, तो दूसरे बैच में मैं फिर से तल रही हूँ। ये देखिए मेरा रेडी हो गया था और मैंने इसको सर्व किया था केचप और चटनी के साथ। और ये देखिए मेरी स्प्रिंग रोल रेडी है, आप भी एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ।